हेलो दोस्त, मेरा नाम है दीपक कुमार JDG और आप देख रहे हैं JDG गूगल टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि गैलेक्सी जैसा फैक्ट अपने स्क्रीन में कैसे लगाएं। कोई भी फ़ोन होगा उसमें बहुत आसानी से लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है। चलिए दिखा देते हैं। आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐसे भी डाल देंगे। लिखना है राउंड लाइट RGB। चलिए सर्च कर देते हैं। देखिए ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्त, इसमें खूबियाँ ये भी है कि देखिए, जैसे कि आपका वॉलपेपर में भी रहेगा वो, और यदि आप कोई एप्लीकेशन भी खोलते हैं तो भी आपका वो काम करते रह जाएगा, ना कि बंद हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, ओपन कर लेते हैं। आपको भी ओपन कर लेना है। देखिए इसी प्रकार का आपका ये जो राउंड लाइट है, ये बगल में ऐसे ही चलता रहेगा। इसका सेटिंग हम बता देते हैं। देखिए, यदि आप बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में काला है, काला वैसे ही छोड़ दी। चलिए अभी थोड़ा सा ऐड आया है, इसको कट कर देते हैं। काला ही है, उसको अप्लाई कर देते हैं। चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है बॉर्डर टाइप पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। ये सेटिंग करते समय थोड़ा सा ऐड आएगा, उसके बाद नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, यदि यहाँ पे दो ठो ऑप्शन दिया है, ऊपर में इनेबल वॉलपेपर दिया है और इनेबल ओवरली अदर ऐप। जैसे कि वॉलपेपर करेंगे तो केवल आपका वॉलपेपर में ही रह जाएगा, और इनेबल यदि ओवरली द ऐप करेंगे अदर ऐप में, तो यदि कभी कोई आप एप्लीकेशन खोल भी लेते हैं तो आपका ये चलता रहेगा। अब इस यहाँ पर जो ये दिया है चूज दिस कलर, जैसे कि अब यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आप कौन लेंगे। आप अपने मन से कोई भी इसमें कलर चूज कर सकते हैं। इसका एक मेन मुख्य हम शूटिंग मुख्य सेटिंग बता देते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे बॉर्डर कॉन्फ़िग्स लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिया है सबसे पहले ऊपर वाला स्पीड दिया है। स्पीड हम इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। चलिए ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा लगेगा। बॉर्डर साइज पूछ रहा है, यदि आपका इस प्रकार के मोबाइल है मेरे जैसा तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो इसको चेंज करना है तो देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बता देते हैं कहाँ से चेंज करना है। देखिए इनेबल डिस्प्ले नॉट, ऐसे हो जाएगा। यदि ये वाला है तो ये वाला हो जाएगा। यदि इस प्रकार का आपका है तो मतलब कि तीन प्रकार का डिस्प्ले आता है, तीनों प्रकार का इसमें सेटिंग दिया हुआ है। यदि आप इसको अच्छा से और इसको स्मूथ बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे दो और सेटिंग दिया है, इसको बहुत कम कर देना है, दोनों को सबसे कम कर देना है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर दिया। चलिए ऐड आया है, ऐड को कट कर देते हैं। चलिए अब सीधे ऊपर में आ जाते हैं, हम अपने कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। चलिए ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ये वाला कर चुके। अब देखिए इनेबल वॉलपेपर पर हमको क्लिक नहीं करना है, इनेबल ओवरली अदर ऐप क्लिक करना है। चलिए इसको कर लेते हैं और यस का बटन दबा देते हैं। अब सेटिंग में इसको परमिशन मांगेगा, चलिए परमिशन हम दे देते हैं, दे दिए। चलिए फिर अब देखिए ये हमारा हो चुका है, अब इसको हम कट कर देते हैं। कट कर दिया। यदि आप इसको चौड़ा और पतला करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, वहाँ से जहाँ से हम इसको करने के लिए बता रहे थे वहीं से आप सेटिंग में जाकर कर लीजिएगा, बताए भी हैं, पीछे जाकर देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए यदि वॉलपेपर रहेगा तो केवल इतना ही तक रहेगा, और यदि दूसरा कोई एप्लीकेशन खोलिएगा ना तो ये वाला जो ये चल रहा है ये बंद हो जाएगा। लेकिन हम ओवरली स्टार्ट किए हैं, ओवरली में क्या फ़ायदा होता है कि देखिए आप मान लीजिए दूसरा कोई एप्लीकेशन खोल कर देख लीजिए। चलिए हम अपना YouTube खोल के देख लेते हैं। देखिए चलता रह गया, ये मतलब कि बंद नहीं होगा, अब ये चलता रहेगा जब से आप इसको बंद नहीं करिएगा। तो दोस्त ये था छोटा सा एक स्टेप मोबाइल के लिए,
ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्त पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।